वाह, ये है यहाँ इस पे रिवर पे। रिजॉर्ट का बेस्ट पार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनी व्लॉग। बज रहे हैं सुबह के 3:30 और मेरी कैब भी नीचे आ चुकी है और हम चल रहे हैं जिम कॉर्बेट रामनगर। ये तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल तैयार हूँ। साक्षी मैडम मेरा बैग लेके आ रही है क्योंकि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा था और नायशा को अचानक पता चला है कि पापा अकेले जा रहे हैं, इसलिए वो कह रही है मैं भी जाऊंगी। लेकिन अब इसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि मेरे हाथ में मेरा बैग आ चुका है और बस मैं अपनी जानू बीबी से मिल लूं। नायशा प्यारी को पकड़ो, हाँ, और पेप्सी को भी प्यार कर लूं और मम्मी को भी जय जय कर लूं और पापा से भी मिल लूं। पापा निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ। हाँ, 3:30 बज रहा है पापा। अच्छा, चलो बाय। तो फ्रेंड्स, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, यानी हमारी जिम कॉर्बेट की जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम पहुंचेंगे ऑफिस, वहां होगी बस और बस से हम जाएंगे जिम कॉर्बेट। फ्रेंड्स, साक्षी मैडम मेरा कोई काम करे और गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने कैब में लोकेशन ही गलत डाल दी है। और कैब में बैठते ही मैडम का फ़ोन आया कि अरे लोकेशन चेंज करवा लेना, मैंने ना कहीं और की डाल दी है, MG रोड में, और MGF मॉल की नहीं डाली है, तो अब लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन भैया कह रहे हैं कि वो मैनेजेबल है, वो पहुंचा देंगे। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। आई होप कि ये आज के दिन और इस पूरी ट्रिप की पहली और आखिरी गड़बड़ हो और सब कुछ बस बढ़िया से हो जाए। तो चलिए, बस छोटी सी गड़बड़ थी, इसको तो इग्नोर कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगा था कि मैं सबसे पहले पहुंचूंगा, लेकिन यहाँ तो उस्ताद लोग हैं। मैं 4 बजने में 1 मिनट पहुंच चुका था, फिर भी 7-8 लोग ऑलरेडी पहुंच गए थे और अब 4:15 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट आधी जनता आ चुकी है। तो जो मुझे लग रहा था कि निकलते निकलते 6 बजेंगे, अब लग रहा है कि शायद 5 बजे तक तो निकल ही जाएंगे। चलो सही है, जल्दी पहुंचेंगे तो ज़्यादा मज़ा। थैंक यू साक्षी फॉर मेकिंग दिस लवली ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट। तो चैन से जागना है तो सो जाओ और चैन से सोना है तो जाग लो, राइट। तो वी आर प्रेजेंटिंग, देख गाना वाना ही चलता है, राइट। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। अरे वाह, अरे तो म्यूजिक भी दे रहा है। आगे कल तक हम लोग का स्टॉपेज आने वाला है गजरौला। हम लोग एंटर कर चुके हैं और प्लान है कि मोगा मोगा ढाबा पे हम लोग रुकेंगे। तो मोगा पे तो मैं वैसे भी रुकता ही हूँ, तो इट्स अ गुड थिंग मोगा मेरा देखा हुआ है। और हालांकि कुछ खाना नहीं है और, लेकिन हाँ घूम फिर तो लेंगे ही, चाय पीनी होगी तो पी लेंगे। एक साथ सब लोग उतरे हैं, सारे एक साथ वॉशरूम की तरफ आ गए हैं। इतना क्राउडेड हो गया है कि वहाँ भी लोग लाइन लगा के खड़े हैं, इसलिए मैं साइड हट गया। मैंने कहा अपना व्लॉग वाला काम पहले निपटा लेते हैं, तब तक वहाँ भी भीड़ कम हो जाएगी, फिर चल पिएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग चाय ढाबे के अंदर नहीं बल्कि बाहर ओपन में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अच्छी खासी तादाद हैं, तो हम लोग घुस जाएंगे तो शायद ओवर क्राउडेड हो जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोग ओपन में कर रहे हैं। इन लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया है, मैं भी बस चाय की ओर ही बढ़ता हूँ। चाय बढ़िया है, मीठी है, बस अपन तो फीकी पीते हैं, आपको बताइए। गर्म है,
सब्जी ठंडी थी फ्रेंड्स, मुझे भूख तो थी नहीं, फिर भी मैंने पूड़ी खा ली। अब पूड़ी बच गई है तो मैंने सोचा कुत्ते उत्ते को दे देता हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई कुत्ता ही नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही रख दिया, कोई ना कोई जानवर खा ही लेगा। एक के बाद हम गाड़ी दोबारा चल रही है और इसके लिए अटेंडेंस हो रही है ताकि चेक हो सके वैलिडेट हो सके कोई छूट तो नहीं गया। ठीक है, मुझे धूप पड़ी भयंकर वाली। ठीक है, 8:38 पे हम लोग निकले हैं मोगा से, मेरे अंदाजे से 1:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, बाकी देखते हैं। रामनगर हम एंटर कर चुके हैं और हमारा रिजॉर्ट लगभग 8 किलोमीटर दूर है अभी, तो अभी तो फिलहाल सिर्फ आसपास की वादियों का ही नज़ारा ले रहे हैं, लेकिन पहाड़ नज़र नहीं आ रहे यार। पिछली बार गए थे तो यार थोड़े बहुत तो पहाड़ दिख रहे थे, आज तो पहाड़ ही नहीं दिख रहे। एक साल में कहाँ गायब हो गए पहाड़। ये है मेरा जिगरी दोस्त आदित्य, सहकर्मी आदित्य, हाय, लेकिन मैं इसे प्यार से केकड़ा कहता हूँ। क्यों कहता हूँ कभी मत पूछो। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं अपने वुड कासल रिजॉर्ट। एक्सपेक्टेड था कि हम लोग 1:30 बजे तक पहुंचेंगे, चेक इन टाइम 12 बजे का है और हम लोग 12:45 बजे ही पहुंच गए हैं। धूप बहुत भयंकर हो रही है, तो एक तरह से अच्छा ही है कि हम लोग टाइम से पहले पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि चेक इन में कितना टाइम लगता है, रूम पार्टनर कौन बनता है। मजा नहीं आ रहा है। यह है हमारा कमरा, रूम नंबर 21। रूम, ये वेलकम स्नैक, ये वार्डरोब, और मैं इसमें अपनी जैकेट पहले ही रख चुका हूँ। पूरा तो फ्रेंड्स, सामान वामान रखने के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ टूर पर, थोड़ा घूमते घामते हैं, देखते हैं क्या क्या है। और ये पार्क है, कुछ झूले वूले लगे हैं, देखते हैं कैसा है। वाव, थोड़े झूठे मूठे वाव करो 2-3 बार। ओ वाव, सच में इधर अच्छा वाला वाव है, लेकिन इधर उतरेंगे कैसे, गजब। नहीं नहीं ये पत्थर स्लिपरी होते हैं, ज्यादा अंदर नहीं जा सकते। हाँ जी, वाव, ये है इस रिजॉर्ट का बेस्ट पार्ट, दिस व्यू। कुछ लोग वहाँ नहा भी रहे हैं। उधर है रास्ता नीचे उतरने का, तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दिस एक्टिविटी, क्योंकि ऊपर धूप है, सूरज है, तो ठंड भी नहीं लगेगी। तो देखते हैं, कोई साथ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपन अपने आप में इनफ है, जाएंगे जाएंगे ज़रूर। फ्रेंड्स, एक मेरा ही नीचे जाने का मन कर रहा है और कोई भी नीचे जाने की बात नहीं कर रहा, तो या तो मैं फन्ने खा बन रहा हूँ या ये लोग डरपोक हैं। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है। फ्रेंड्स, अभी अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर पिंक आया है कि 15 मिनट में ये लोग क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल जाते हैं इन लोगों के पास, अगर क्रिकेट खेलने का सीन है तो फिर तो कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, पूल को भी देख लेते हैं, पूल को भी चेक कर लेते हैं, पास में ही है।
ये रहा पूल। पूल अच्छा है, साफ भी है, ज़्यादा गहरा भी नहीं है और अच्छा खासा बड़ा भी है, शेप भी बड़ी प्यारी सी बनाई हुई है। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल ये लोग तो क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं, तो फिर पहले कपड़े चेंज करते हैं, क्रिकेट विकेट खेलते हैं थोड़ी देर और फिर उसके बाद पूल पे भी आएंगे। स्विमिंग मैं करूँगा ज़रूर, ये तय है, चाहे 10 मिनट के लिए ही करूँ लेकिन करूँगा ज़रूर। ये पूल को यूज़ करने के नियम कानून, तो अगर आप भी वुड कासल लाते हैं तो इन नियमों को पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ रहे हैं वुड कासल स्पा की तरफ, जो जिम के सामने ही है, जो स्विमिंग पूल के सामने जिम बना हुआ है। पहले जिम को देखते हैं, फिर स्पा वगैरह तो कराना नहीं है, देखने को होगा तो देख लेंगे। हाँ, ये कर लो पहले। तो ये है जिम, ट्रेडमिल है, क्रॉस ट्रेनर है, रिजॉर्ट वगैरह के हिसाब से ठीक है जिम इक्विपमेंट्स। दोस्तों, जिम थोड़ा छोटा है लेकिन इक्विपमेंट्स काफ़ी सारे हैं। अब इसमें से कितने ऑपरेशनल हैं कितने नहीं हैं ये तो वक्त ही बताएगा, बट हाँ, इट्स गुड इनफ टू यूज़। एक ही दिन की तो बात है, यूज़ कर सकते हैं जिनको करना है। अपन तो वैसे भी जिम वाले नहीं हैं, हमारा इन सब चीज़ों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। बस मैं तो सिर्फ ब्लॉग में दिखाने के लिए आया था, अदरवाइज़ यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, यहाँ से चलते हैं। तो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, और भी लोग हैं जो वीडियोज़ बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, कुछ हो सकता है कुछ व्लॉग्स भी बना रहे हो। बट अपन को क्या, फ़िलहाल तो अपन घर की ओर बढ़ रहे हैं, घर मतलब फ़िलहाल तो अपन रूम की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ तो ऑलरेडी खेल का माहौल बन चुका है। तो फ्रेंड्स, एक क्रिकेट मैच तो हमारा हो गया, आज का मैंने फिल्म नहीं किया क्योंकि आज तो ऑलरेडी बहुत कुछ है आप लोगों को दिखाने को, तो क्रिकेट मैच क्यों दिखाना, मेरा तो मन भी नहीं था। और बहुत बुरा हारे हम लोग, 70 रन बनाए थे उन लोगों ने और हम लोग 16 पर ऑल आउट हो गए। मैंने 4 रन बनाए, ठीक है। कोई बात नहीं, अब खाना खाने भाग रहे हैं हम लोग, और चलिए खाना खाते हैं। द एग्जॉटिका फूड कोर्ट, अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। खाना वगैरह तो हो गया, अब चल रहे हैं रूम पर वापस, आधे घंटे का रेस्ट लेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे स्विमिंग करने। फ्रेंड्स, वहाँ तो ऑलरेडी सारे लोग पानी में कूदे हुए हैं, कुछ लोग टीटी खेल रहे हैं, अदरवाइज बाकी सारे पानी में ही हैं। अपन बेकार में खाने में टाइम वेस्ट कर लिए इतना, अब बस घर जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ और भागता हूँ कपड़े वपड़े चेंज करके सीधा डुबकी।